सबको नमस्ते। दीज आर नॉट नॉर्मल क्लासेस। इन दीज क्लासेस वी विल नॉट बी टीचिंग यू एनीथिंग बट यू विल बी लर्निंग। We want to change the system of education. We want to finish schools. But we want to increase education. And we want to do that through these classes. Pankha band kar dijiye. These classes are discovery of People like me. हम लोग स्कूल के मारे हुए लोग हैं, उसमें से मैं एक हूं। स्कूल से मारा हुआ मतलब जब हम स्कूल में जाते हैं उससे एक घंटे पहले, दो घंटे पहले हमारी जिंदगी में अंधकार चालू हो जाता है। सुबह सुबह जबरदस्ती उठना पड़ता है, फिर उसके बाद कपड़े पता नहीं कहां रखे होते हैं, कपड़े खोजो, फिर बैग लगाओ, फिर बेचारी मम्मी वो सबका नाश्ता बनाती है, और नाश्ता बनाने के बाद जब आपको देती है तो आपका भी मुंह खराब हो जाता है कि बताओ ये नाश्ता दिया है। ये सब चीजें संडे को नहीं होती हैं। संडे को अगर थोड़ा खराब नाश्ता भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि बाकी दिन तो मजा आएगा, लेकिन मंडे या ट्यूजडे को बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज इसी खाने के, इसी नाश्ते के भरोसे तो मेरा दिन बीतने वाला है, यही तो मेरा मजा आने वाला चीज है, और खाना भी मजेदार नहीं है तो फिर क्या पढ़ाई करें। तो मैं तो पैकेट बिस्किट रख लेता हूं अपने साथ, रखा है मेरे बैग में। उसके बाद फिर कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं आप, और यहां पर अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं आपको। कुछ आपसे पढ़ने में तेज, कुछ पढ़ने में कमजोर, जो सच्चाई नहीं है, जो झूठ है, ये एक ऐसा झूठ है जो आपको रोज थोड़ा 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 जहर की तरह दिया जाता है और आप उसको बिलीव कर लेते हैं। ये मैंने बहुत दिनों बाद मालूम किया कि अगर मैं 70% पा रहा हूं टेंथ पे, होमवर्क कर रहे शायद ना, होमवर्क कर रहे, करिए करिए। अगर आप 70% पा रहे हैं आप मैथ्स में और एक बच्चा 90% पा रहा है तो दोनों की समझदारी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि 90% वाला बच्चा ज्यादा समझदार है और 70 वाला कम समझदार है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक फिल्म दूंगा, उसमें एक बंदा जिसको एबीसीडी भी नहीं आती, उसने बहुत से लोगों की जान बचाई और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से रहा, और जो साइंटिस्ट है वो पीएचडी डिग्री के साथ वो भी वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाया। और जब आप जाते हैं स्कूल में टाई पहन के, शर्ट पहन के, तो अचानक से एक ऐसा लगता है जैसे कि एक जू में आ गए, और उस जू में कुछ तो हमसे बड़े बड़े डायनासोर्स हैं। जब मैम क्वेश्चन पूछेंगी तो सबसे पहले उनको वेरी गुड बोला जाएगा, और आपके बगल में ही कुछ आपसे नीचे चींटियां हैं, उनको मसल देते हैं आप, आपको पता भी नहीं चलता कि आप मसल रहे हैं। जब आप अपना अच्छा सा सुंदर सुंदर होमवर्क निकालते हैं, अच्छे बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके टीचर को दिखाते हैं, तो आपके बगल में आपका फ्रेंड जिसने होमवर्क नहीं किया वो वही चीटी है जिसको आप बसलते हुए जा रहे हैं, और उसी को बैड बोलकर टीचर आपको गुड बोलती है। एग्जाम में ऐसे होता है, हमारे मेरे फ्रेंड है, वो बोलता था मैं तो किसी को दिखाता नहीं एग्जाम में, मैं क्यों दिखाऊं, मैंने इतनी मेहनत की है। लेकिन अगर आपने घर पर खूब टेस्टी हलवा बनाया हो तो आप किसी को टेस्ट कराएंगे, मम्मी लोग खुश होती है, थोड़ा सा देख लो कैसा है, लेकिन यहां पर खूब टेस्टी आपने होमवर्क किया है लेकिन किसी को टेस्ट नहीं कराएंगे, क्यों, मैं क्यों कराऊं उसको। और ये बीमारी सालों साल चलती है। जब मैंने पहली जॉब पकड़ी एज ए रेडियोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर हूं, तो हम लोगों को रिपोर्ट्स बनानी होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स। तो हमारा एक कलीग है, मेरे साथ ही है, और वो बहुत अच्छी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाता था, तो मैंने कहा यार मुझे भी दिखा दो। हाँ, मैंने कहा मरीज की रिपोर्ट बनानी है, अच्छी रिपोर्ट बन जाएगी तो डॉक्टर को हेल्प होगी।
आई डोंट हैव इट, फिर मेरे बगल में बैठ के बना रहा है, फिर मुझे चीटिंग करना पड़ता था उसके साथ। हम चाहते हैं कि एजुकेशन शुड बिकम लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस वेयर यू शुड गो देयर बिकॉज यू लव टू स्टडी, बहुत मजा आता है। जैसे आई डू दैट, आई एम रीडिंग दिस बुक, दिस बुक इज कॉल्ड हाउ टू रन एन ऑनलाइन बिजनेस दैट पेज एंड पेज एंड पेज एंड पेज। मतलब आप घर पे बैठ के एसी चलाकर कंप्यूटर पे कैसे बिजनेस करें कि बहुत पैसा कमाए। आई लव टू रीड दिस। एक और बुक है मेरे पास, हाउ टू बिकम जीनियस, आई जस्ट लव टू रीड दिस बुक्स। इसको पढ़ के मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, एग्जाम बड़े टेढ़ी चीज होती है मेरे हिसाब से, सारे एग्जाम लॉटरी होते हैं, लॉटरी। हां सही में, उस लॉटरी का आप फीस कैसे देते हो, जग कर सोकर कुछ भी करके, और लॉटरी वाले दिन आप एग्जाम देते हो अगर आप बीमार नहीं हो गए तो, मैडम का मूड अच्छा हो। छोटे छोटे बच्चे, अभी परसों एलकेजी के बच्चों का एंट्रेंस हुआ, 350 स्टूडेंट्स केम हियर फॉर एग्जाम, यू नो फॉर हाउ मेनी सीट्स, 14 सीट के लिए। अब बाकी जो बच्चे बच्चे आपके आउट ऑफ 350, 14 निकाल दीजिए तो कितने बचे, जो भी 336 बचे, वो 336 के पेरेंट्स उनको क्या बोलेंगे, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जबकि वो गधे नहीं है, छोटे बच्चे, क्या उनको क्या पता। अब उसमें लिखा है राइमिंग वर्ड लिखो, कॉट के बाद डैश, अब उसको नहीं पता कॉट के बाद डैश, उसका कुछ यूज भी नहीं होने वाला, बट बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग ही विल गो होम, उस पूरा दिन उसको बेचारे को खेलने नहीं दिया जाएगा, उसके मन का खाना नहीं मिलेगा, उसको डांटा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जू है ये, और एग्जामिनेशन आर लॉटरी। एक्चुअल एग्जामिनेशन तो वही हो जाता है जब मैं किताब पढ़ता हूं और मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं मुझे समझ में नहीं आता, दैट इज माई एग्जाम, आई नो आई डोंट नो दिस। इसके लिए अब मैंने पढ़ लिया, अब लाओ मुझे टेस्ट दो, टेस्ट में मैं पेन लेकर बैठा और मुझे रेड नंबर दे दिया 0 out of 20, मुझे नहीं आता, नहीं आता तो फिर खोल के पढ़ो। ये ऐसे ही है, मैं खाना खा रहा हूं, उल्टी हो रही है, इसका मतलब ये खाना मेरे लायक नहीं है, एग्जाम में फेल, आज से तुम ये खाना मत खाना, खुशबू से मालूम पड़ जाता है खाना अच्छा है कि नहीं है। एजुकेशन का ये ऐसा क्यों हुआ और कैसे हम इससे बचे, एंड हाउ टू स्टडी इन अ वे सो दैट वी शुड बिकम सक्सेसफुल एंड नॉट जस्ट इंटेलिजेंट। बिकॉज मैंने देखा सक्सेस और इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है एक दूसरे के साथ। हमारे एक टीम है 4-5 लोगों की, उसमें जो सबसे ज्यादा सोच पाता है बंदा वो 10th पास है, और बाकी एक बंदा है PhD, उसको थॉट्स ही नहीं आते। सिंपल सी चीज होती है, जैसे आप मान लो कोई डिजाइन करना है, इसका ये जो ये फ्रंट पेज है ये आपको कंप्यूटर पे डिजाइन करना होता है, इस डिजाइनिंग के लिए एफर्ट आना चाहिए। एफर्ट जानते हैं क्या होता है, जैसे आप अभी एफर्ट ले रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट अगर आपने PhD कर रखा है तो कम हो जाता है। यू नो व्हाई, बिकॉज मैं PhD हूं, मेरे लायक काम आना चाहिए। मेनी चिल्ड्रन जो BTech कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, दे डोंट गेट जॉब्स, व्हाई, उनके लायक जॉब नहीं मिल रहा है। एंड पीपल हु आर ड्राइवर्स, दे आर ऑलवेज इन डिमांड, प्लंबर्स आर ऑलवेज इन डिमांड, कारपेंटर्स आर ऑलवेज इन डिमांड। मेरी एक आंटी आती है मालिश करने के लिए, शी इज ऑलवेज इन डिमांड, जो भी रेट बताती है उनको मिलता ही मिलता है। व्हाई, बिकॉज उनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू हर स्किल, शी इज एक्स्ट्रा स्किल्ड, शी इज वेरी स्मार्ट बट इन हर जॉब। बट पीपल हु गेट वेरी गुड मार्क्स दे बिकम इंटेलिजेंट इन गैदरिंग मार्क्स बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट नॉलेज। मैं उसमें से एक हूं, मैंने जब MBBS पास कर लिया, डॉक्टर बन गया, जब पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर साहब पेट दर्द करता है, अच्छा पेट दर्द के कॉमन कॉजेस क्या क्या है, एक तो होता है कैंसर, अब मरीज को कैंसर थोड़ी हुआ है,
सिंपल सा एसिडिटी हो रखी है। मैंने अपने बॉस को फोन किया, सर एक पेशेंट आया है सर, उसको पेट दर्द हो रहा है। अरे यार एसिडिटी होगी। हाँ एसिडिटी भी एग्जाम में था, लेकिन एग्जाम में तो लास्ट नंबर पे एसिडिटी लिखा था मैंने, नंबर वन पे तो कैंसर था, क्योंकि कैंसर याद हो गया यार। उल्टा ही है कुछ, पढ़ाई से सक्सेस का रिलेशनशिप उल्टा है। द मोर यू स्टडी, हम लोग सोचते हैं कि नहीं जब बच्चा 90% लाएगा तो ही विल बी मोर सक्सेसफुल, उसमें खाली ऐसा होता है कि आप यू बिकम मोर घमंडी, आपकी गर्दन थोड़ी और टेढ़ी हो जाती है। क्यों? इधर देखा है, इधर 90% लगा रखा है मैंने, ये बैकबोन में एक एक हड्डी के अंदर 90 90 90 90। एक फिल्म है, उसकी बुक भी बनाई हमने, मैं आपको बुक दूंगा उसकी, इट्स कॉल्ड रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। क्या नाम है? ये बंदा इंटरव्यू के लिए गया, ही वॉज अ वेरी जीनियस बॉय, ही वेंट फॉर एन इंटरव्यू इन अ वेरी बिग कंपनी। तो उसके बॉस ने उसको, सिट डाउन, सी यू गॉट 20 मिनट्स टू प्रूव दैट यू आर वर्थ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब आप इस इतनी बड़ी कंपनी में के लायक हैं, 20 मिनट के अंदर फटाफट बताइए। उसने कहा सर इन माई होल लाइफ आई हैव नेवर गॉट सेकेंड पोजिशन क्लास, I have always got AAA. You can see those children outside sitting, 20 people, all of them are toppers. Aur kuch batao. Sir, I am a national level basketball player. Okay, you can exercise. Bhai jo bhi exercise karega, basketball khel sakta hai. Aur kuch? Uska haath kaanp raha tha bichare ka, pair kaanp rahe the. Uske baad uska naam tha Chengiz. चंगेज खान, यूज फ्रॉम लाहौर पंजाब, अरे पाकिस्तान। बोलता है ओके योर नेम इज चंगेज खान, उसको गुस्सा आ गया, बोलता सर माय नेम इज नॉट चंगेज खान, माय नेम इज चंगेज खान, प्लीज टेक माय नेम प्रॉपरली। बोलता गुड, उसने पहले कहा था इंप्रेस मी, ही डिड नॉट गेट इंप्रेस्ड बाय 90% क्लास ए और बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ही गॉट इंप्रेस्ड दैट दिस मैन इज टेलिंग हिम, क्यों क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम ठीक से लो। He said, you have got one more minute, do you have something to say? उसको बहुत गुस्सा लगी, उसको लगा अब तो जॉब मिलेगी नहीं। उसने कहा सर आई हैव गॉट ओनली वन थिंग टू से, एक ही बात बोलनी है मुझे। उसने कहा क्या? इसे आप मुझे जॉब पर रखो चाहे मत रखो, मैं आपसे भी अमीर बनकर दिखाऊंगा, आपसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। He said, good, I like that. You are selected. And that thought was not taught to him in school. वो बुक में से नहीं आया था कि अपने बॉस को बदतमीजी से बोलो कि मैं आपसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। स्कूल में तो उल्टा सिखाते हैं, बेटा सर अगर नालायक भी हो तब भी गुड मॉर्निंग करो। ऐसी ऐसी ढेर सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, लेकिन ये क्लासेस से आपको कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, आप सीखेंगे अपने आप। उसके हमने टूल्स बनाए हैं, इस साल हम आपको 10 टूल्स, हमारे पास तो 50 टूल्स हैं बट 10 टूल्स चलेंगी आपकी। और ये टूल्स खाली उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जो इस पहली टूल खत्म करेगा, जैसे फर्स्ट खत्म करेगा उसको सेकंड मिलेगी। और खत्म कैसे करेगा, यू रीड द वन टूल एंड यू राइट वन पैराग्राफ ऑफ समरी एंड यू सबमिट दैट, तब आप दूसरी टूल के लायक बनेंगे। इट्स लाइक स्टेप, कॉपी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ्रेंड से कॉपी कर लो, पैराग्राफ बना दो एंड देन यू कम बैक एंड टेल मी सर मेरा पहला हो गया, दैट इज अलाउड। आप इसी में से चीटिंग कर करके लिख लो, दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट सेकेंड टूल आपको तभी मिलेगा जब फर्स्ट। और ये 10 टूल ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से मेरे अंदर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, बहुत क्लैरिटी आई। और मेरी वाइफ शी इज अ 90% ऑलवेज थ्रू आउट, I was a 70%, but now we both are at par and sometimes I am better than her. And one, this is one of the biggest reason of the. So I am going to give it to all of you. इसकी वैसे हम लोग cost रखे हैं 2,050 रुपए एक book का, ये इसलिए नहीं क्योंकि इसकी कीमत इतनी है, इसकी कीमत इसलिए तो 2,050 है क्योंकि हम लोग इसकी counseling देते हैं साथ में, one counseling that I do in my center, I charge around 1,000 rupees per
हाँ आवर. सो ऐसे दो काउंसलिंग हम आपको फ्री में देते हैं, बट इन स्कूल यू विल बी पेइंग 30 रुपीज फॉर वन टूल. ठीक है, 30 कम तो नहीं है, 30 ज्यादा तो नहीं है? ठीक, आप लिस्ट बनाएंगे, मॉनिटर कौन है, हाँ, यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड गिव इट टू टू मैम. ठीक है, जैसे आपको मॉरल्स की बुक चाहिए, मैथ्स की बुक चाहिए, ऐसे ही आपको वी फॉक्स क्लासेस की बुक चाहिए. और इस बुक का कोई एग्जाम नहीं होने वाला फाइनल. आपका एग्जाम क्या होगा? कैश. फर्स्ट बुक कंप्लीटेड, समरी दे दिया, फिनिश्ड. इसके बाद आप घर जाएंगे, इसको आराम से एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, 25 बार पढ़ेंगे. अगर फंस गए तो पीछे मेरा ईमेल आईडी है, लिखेंगे सर क्या बकवास बुक भेज दी आपने, मुझे कोई फायदा नहीं, मेरे 30 रुपए वापस करो. तो फिर मैं आपको कुछ और समझाऊंगा, कुछ और समझाऊंगा. ऐसे हमारी बातचीत चलती रहेगी पूरे साल. जो जितना एक्टिव रहेगा उतने ज्यादा सीख पाएगा. इसमें मैं मार्क्स नहीं देता किसी को, इसमें आप इनसाइट सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज सीखेंगे. दीज आर कॉल्ड एज माइंड टूल्स. माइंड टूल्स मतलब दिमाग के स्क्रू ड्राइवर्स. बोलते ना स्क्रू, दिमाग ढीला है तेरा, स्क्रू ढीला है टाइट कर ले, तो वो हम टाइट करने वाले हैं. जैसे आज मैं एक स्क्रू ढीला है उसको टाइट करता हूं. एक ढीला स्क्रू है, पानी पी लेता हूं मैं. एक बहुत जमाने से आता जा रहा है ये बात, सच है लेकिन थोड़ी इसके पीछे कुछ कहानियां हैं. वो सेंटेंस है जिसको मुझे ठीक करना है. ये दिमाग में सेंटेंस चलता रहता है आपके, मेरे, मम्मी पापा के, टीचर्स के, फादर के, सबके. और वो सेंटेंस पर हम लोग बार 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 सुनते हैं तो विश्वास करने का मन करता है, और धीमे धीमे फिर बाद में विश्वास भी कर लेते हैं. लेकिन ये गलत सेंटेंसेस हैं. जैसे बिल्ली रास्ता काटेगी तो क्या होगा? तो यहां पर कितने लोग बिलीव करते हैं ऐसा? नहीं करते. तो बिल्ली रास्ता काटेगी तो जाएंगे? अरे झूठ मत बोलो यार. थर्सडे को आप नाखून काटेंगे? काटेंगे. अच्छा, कौन कौन नॉनवेज खाता है यहां पे? अच्छा सॉरी, कौन नहीं खाता? आप खा लेंगे अंडा? क्या बुराई है उसमें? क्यों नहीं खा सकते? टेस्ट नहीं अच्छा. टेस्ट. बिल्ली रास्ता काट गई तो सर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ना सर मुझे एक्चुअली कुछ काम है, मेरा एक फोन आने वाला है. वो मरेगा, मेरी थोड़ी जान जाएगी. सी, ऐसी कोई चीज जिस पर आप बिलीव करते हो लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है. अगर मैं इस पानी को नहीं, पहले बताता हूं. एक आध, तीन बच्चे थे, आपस में बहस कर रहे थे. डॉन बॉस्को के पढ़ते थे, नहीं डॉन बॉस्को के नहीं, चलो किसी और स्कूल के पढ़ते थे, हाँ चलो शेरवुड के पढ़ते थे, अमिताभ बच्चन का स्कूल. बहस कर रहे हैं, अरे पता है तेरे को मेरे दादाजी ने इतनी अच्छी शिप खरीदी है, पैसे वाले थे, कि वो जमीन से छू के चलती है, एकदम धरती को, पानी के नीचे सब मरीन के अंदर छू के चलती, समुद्र को छूती है, नहीं नहीं दो उंगली ऊपर, थोड़ा सा छुएगी तो कैसे चलेगी, फ्रिक्शन होगा ना. हाँ, दूसरा बोलता है और मेरे दादाजी ने ना ऐसी हवाई जहाज खरीदी है कि वो पूरा आसमान को छूती है. तो आसमान को? बोलता है आसमान तो होता ही नहीं बेवकूफ, कुछ है नहीं ऊपर. अरे थोड़ा सा नीचे, दो उंगली नीचे. तीसरा डॉक्टर आशीष, छोटे से थे, मुझसे पूछा क्या? मेरे दादाजी ऐसे है ना, वो नाक से पानी पीते हैं. नाक से? मैंने कहा नहीं यार, दो उंगली नीचे. एक सेंटेंस है जो आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और वो सेंटेंस है बेटा मेहनत करोगे तो उसका फल पाओगे, या मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे. ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं. ये गलत है. इसको मैंने भी बहुत दिन बिलीव किया और उसका फल ये भोगा कि मैंने ट्राई करना छोड़ दिया. कब तक करते रहोगे यार?
मम्मी शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए, हाँ बेटा दिलाएंगे दिलाएंगे, एक दिन झापड़ खींच के पड़ गया, उसके बाद से शर्ट मांगना बंद कर दिया। ट्राई किया, मिला क्या? झापड़ मिला। ये स्क्रू जो है इसको टाइट अगर करेंगे तो सही सेंटेंस क्या है पता है? सक्सेस इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश। ये आपकी पहली टूल ये वाली होगी। आप सब लोग जब 30 रुपीज जमा कर देंगे तब आपको मिलेगी। सक्सेस इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, तीन चीजों का रिजल्ट है सक्सेस। इसमें बिल गेट्स, जानते हैं सब लोग बिल गेट्स को, बिल जॉय, बिल गेट्स की तरह वो भी है। बिल गेट्स की कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंड बिल जॉय की कंपनी का नाम है सन माइक्रोसिस्टम। बीटल्स, बीटल्स इज लाइक माइकल जैक्सन। बीटल्स चार लोग थे, दे वर फेमस लाइक माइकल जैक्सन, उनकी कहानी है इसमें। बिल जॉय, बीटल्स, बिल गेट्स और यूएस के पिछले, नहीं नॉट यूएस ओनली, इस पूरे दुनिया के पिछले 100-200 सालों में जो सबसे अमीर लोग हुए हैं उनकी कहानी है। यहां तक कि मुकेश अंबानी का भी नाम है इसमें, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, 75 richest people in the world। तो उन्होंने उनका एक रिसर्च किया है कि ये लोग सक्सेसफुल कैसे बने, उसके पीछे क्या सीक्रेट था, वो सीक्रेट इसमें बताया गया है। उस सीक्रेट को हम लोग अगली क्लास में चालू करेंगे जब आपके पास, सबके पास ये बुक रहेगी। ठीक है, मैं चाहता हूं, मैं चालू कर सकता हूं अभी भी, बट वॉट एवर आई टेल यू भूल जाएगा आपको, फिर जो इंटरेस्ट है पढ़ने का मन करेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, आप दोनों को जहां पर भी पकड़े पाए पकड़ करके बोले मेरी बुक दो जल्दी से, और ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे आपको, 30 रुपीज जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ क्वेश्चन, सर हम अपने आप को स्कूल से कैसे बचाएं और कैसे पढ़ें कि टेंशन ना हो? जब भी आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो हम लोग दो चीजों के बारे में सोचते हैं, रादर एक चीज के बारे में सोचते हैं हम लोग, और वो है हाउ टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स या हाउ टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स और टीचर्स और पेरेंट्स, बिकॉज ये मार्क्स रिस्पेक्ट दिलाता है आपको। ये तो ऊपर का लिमिट हो गया। अगर आप ऊपर के लिमिट के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, बिकॉज ऊपर की लिमिट हमेशा मिलती नहीं है, कभी कभार मिलती है। वो ऐसे ही है जैसे नए कपड़े कब पहनते हैं आप? साल में एक दिन, दिवाली के दिन, शादी के दिन। सबसे महंगा कपड़ा हम लोग साल में एक ही दिन पहनते हैं, और सबसे खराब कपड़ा रोज पहनते हैं। तो करना क्या चाहिए? यू शुड स्टार्ट सीइंग व्हाट इज द मिनिमम थिंग दैट यू वांट फ्रॉम एजुकेशन। मिनिमम, मेरी अपनी एक खोज है, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन दैट वन शुड गेट फ्रॉम स्कूल, एंड दैट इज लिटरेसी। लिटरेसी, लिटरेसी, यू नो व्हाट इज लिटरेसी? बीइंग एबल टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड। आप देखेंगे आपका 9 साल हो गए, 10 पढ़ने पढ़ते पढ़ते यहां पे, और 9 साल में आपको इंग्लिश बोलते भी होंगे आप लोग, लेकिन जब आपको पहला सेंटेंस में पढ़ के सुनाऊंगा अब बोलेंगे सर इंग्लिश की किताब दीजिए, इंग्लिश की, ये तो फ्रेंच लग रही है। लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओपन इट्स न्यू कंप्यूटर सेंटर इन 1971 इन अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग ऑन व्हील एवेन्यू इन एन आर्बर विथ अ बीज ब्रिक एक्सटीरियर वॉल एंड अ डार्क ग्लास फ्रंट। समझ में आ गया? मैं धीमे धीमे पढ़ता हूं। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओपेंड इट्स न्यू कंप्यूटर सेंटर इन 1971 इन अ ब्रांड न्यू बिल्डिंग ऑन बील एवेन्यू इन एन आर्बर। समझ में आ गया? चार वर्ड रह गए सर इसमें, बील एवेन्यू और एन आर्बर, ये दो छोड़। विथ अ बीज ब्रिक एक्सटीरियर वॉल एंड अ डार्क ग्लास फ्रंट,
थोड़ा बहुत आ रहा है। अब इसको पढ़ के अगर आपका एग्जाम दिया जाए तो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू कैन रट्टू इट एंड गेट 90%। लेकिन जब किताब खोल के पूछे जाएगा बेटा ये जो बीज ब्रिक एक्सटीरियर वॉल है ये क्या होता है, कोई ईंट पत्थर की बात होगी यार, दीवार के बारे में तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, और एन आर्बर क्या है वो होगा यार गूगल मैप पे देखेंगे क्या है। बट देयर इज अ रीजन ही इज टेलिंग दिस। तो मिनिमम थिंग दैट यू शुड वांट फ्रॉम अ स्कूल इज टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड समथिंग। ये मुझे मालूम पड़ा जब मैंने एमबीबीएस पास कर लिया कि आशीष भाई तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ में आती। मैंने पूरा एमबीबीएस पास कर लिया, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन 12th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी मुझे। मतलब अंग्रेजी समझ में आनी नहीं आती थी मतलब क्या, मैं एक बार गया यूरोप, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो आफ्टर एमबीबीएस एमडी करने के लिए गया था मैं, उसने पासपोर्ट देखा मेरा, पासपोर्ट देखकर बोलता है देखा एक्सक्यूज मी, बोलता है सर प्लीज टॉक इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग इंग्लिश। मेरे बगल में अंग्रेज था, बोलता है ही इज आस्किंग फॉर योर वीजा, शो हिम योर वीजा, और बहुत तेज बोल रहा था, वेयर इज योर वीजा। 15-20 साल तक पढ़ाई करते करते मुझे अंग्रेज की अंग्रेजी नहीं आती थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कम से कम इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि मैं कहीं पर भी विदेश जाऊं, इंडिया में रहूं, अंग्रेजी तो समझ में आए। हम पिक्चरें देखते हैं जब इंग्लिश वाली तो उसको हिंदी में लगा लेते हैं, आजकल डब्ड हो जाती है ना, आराम से समझ में आती है, उसमें बुराई नहीं है। बट बेसिक द मिनिमम थिंग दैट यू शुड वॉन्ट टू लर्न इन स्कूल इज टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड समथिंग। ये तो होता है ना गांव में भी कि चिट्ठी पढ़ सके, चिट्ठी लिख सके, जोड़ घटाना कर सके। आपकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है लेकिन इस हैंडराइटिंग को पढ़ भी तो पाए, समझ भी तो पाए। ये टूल तभी काम में आएगा। इस बुक को मैंने बना बना करके करीब 500 बच्चों को दिया है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट बन गए, लेकिन 500 टीचरों को दिया, टीचर इंटेलिजेंट नहीं बन पाए। पता है क्यों? समझ में तो आती नहीं थी और ना ही तो पूछते थे, शर्म के मारे इंग्लिश के टीचर, और बच्चे बेचारे बेशरम होते हैं, उनको नहीं आता तो पूछ लेते। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी बेशरम। इसके जरिए आप इंग्लिश सीख पाएंगे, इसके जरिए आप लॉजिक सीख पाएंगे, इसके जरिए आपके ढेर सारे पेच, हाँ वो आपकी गलती भी नहीं है, वो घर पे रोज जब मार पड़ती है तो ढीला हो जाता है ना, ढीला कैसे होता है, ये पढ़ाई किया तुमने, ये दिमागी मार है, या दिस इज अ ट्रोमा, यू नो दिस। मैं हमेशा एक बुक अपने पास रखता हूं, दिस इज अ एडवांस्ड योगा बुक, ये माइंड के लिए है। द फर्स्ट सेंटेंस इज योगा इज अचीव्ड थ्रू द सब्जुकेशन ऑफ द साइकिक और हीलिंग ऑफ द साइकिक नेचर। मतलब दिमाग में जितने चोट पहुंची है जब उसकी हीलिंग हो जाएगी तभी आप एडवांस्ड योगी बन सकते हैं। मेरा बड़ा सपना है कि मैं ऐसे बैठूं और बहुत गहरा योगी बनूं, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं आंख बंद करूं और मेरे दिमाग में चोट ना हो। चोट मतलब मेरे पापा मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी बनूं, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये ढेर सारे जो थॉट्स चलते रहते हैं ना, दीज आर साइकिक हर्ट एंड दे आर मोर डेंजरस देन फिजिकल हर्ट। ये मेरे को उंगली में चोट लगी थी आज से 25 साल पहले, वो अब हील हो गई, दर्द नहीं करती, लेकिन 25 साल पहले जो मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था किसी बात के लिए वो अभी भी थॉट्स के फॉर्म में आता रहता है। बचपन में एक बार क्या हुआ, मंदिर में एक शंकर जी बैठे हुए थे, वो कृष्ण भगवान के बाल, कृष्ण नहीं होते छोटे से, कपड़े उपड़े नंगे होकर रहते वो, और उनकी लोहे के होते हैं, ब्रास के, उनकी आंखें जो होती है बाहर से लगाई जाती हैं पत्थर की बना के। मैं बहुत झूठ बोलता था बचपन में, तो वो गायब हो गया उनका आंख, तो किसने चुराया होगा, डॉक्टर साहब ने, मतलब उस जमाने में डॉक्टर नहीं था मैं तो, मम्मी ने जो पिटाई की मेरी, लेकिन मैंने उस समय नहीं चोरी किया था, वो उनको लगता होगा निकाल के खेल के फेंक दिया होगा इसने, लेकिन वो हर्ट ये चला गया है, लेकिन वो अभी तक दिमाग में है।
उसको हील करने के लिए मैं अभी किताबें पढ़ता रहता हूं और ये हील हो रहा है। अब कोई और चीज है जो मेरे दिमाग में बार बार चलती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेट योर कॉपीज ऑफ 10,000 आवर रूल द फर्स्ट टूल एंड देन वील सी व्हाट वी कैन डू, ठीक है। थैंक यू सो मच।